हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवाबी सेवई की रेसिपी। ये बहुत ही रिच, डिलीशियस, क्रीमी बनती है। ये डेजर्ट आप कोई भी ओकेशन में या ईद में बना सकते हैं और लार्ज क्वांटिटी में बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। एक पैन लीजिए, पैन में 3 टेबल स्पून घी डालेंगे। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अलग से स्मेल आएगी, वो नवाबी सेवई में अच्छा नहीं लगेगा। सेवई 500 ग्राम, इसको वर्मेसली भी बोलते हैं, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। सेवई को हम लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से घी में भून लेंगे। हाई नहीं रखना है, अदरवाइज ये हार्ड हो सकते हैं और सेवई जल सकती है। अभी हो चुका है तो हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी 1/2 कप। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। अभी हम लेंगे मिल्क पाउडर 1/2 कप। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी अच्छे से घुल जाए। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम में भून लेंगे। अभी एक पैन लीजिए, लेकिन फ्लेम को ऑफ रखिए। 800 ml मिल्क लेना है। हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसमें, इसलिए गर्म दूध में नहीं डालना है, ठंडे दूध में डाल के मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। गर्म दूध में कॉर्नफ्लोर डालने से लम्स होने के चांसेस रहते हैं। शुगर 1/2 कप। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना रहे। अभी हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। ऑन करके लो फ्लेम में हम लगातार मिक्स करते रहेंगे जब तक हमारा दूध का कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए। एक बार ये थिक हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप क्रीम। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर को। मैंने नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में मिक्स कर लिया है। इसको हम 2 बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक ही बार डालने से ज्यादा थिक हो सकता है तो हमको कंसिस्टेंसी चेक करते हुए थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेना है। देखिए अभी ये कंसिस्टेंसी सही है क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी ये थिक हो जाएगा। अभी हम ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क 60 ml। अगर आपको चाहिए तो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। मैंने मिक्स कर लिया है तो अभी हम ऐड करेंगे हरी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम को बंद कर लीजिए। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा। देखिए ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इतना रहना चाहिए, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। एक फ्लैट मोल्ड लेना है, उसमें जो हमने सेवइयां बनाया था उसमें 1/2 सेवई इसमें डाल लेना है। डाल के इवनली स्प्रेड कर लेना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। हमको एक थिक लेयर बना लेना है। आप कोई भी ग्लास, कटोरी या कोई भी हैवी बॉटम वाला चीज लेके आप अच्छे से इवनली जेंटली प्रेस कीजिए। एक बार हमारा थिक लेयर बन जाए तो हम इसको साइड पर रख लेंगे। अभी जो आधे सेवई बचे थे उसमें 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसको भी साइड में रख लेंगे। देखिए अभी मैं क्रीम डाल रही हूँ, जो भी हम क्रीम बनाया था पूरा क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। इसका भी एक थिक लेयर बना लेना है। अभी हम थर्ड लेयर बना लेंगे, जो बचा हुआ था कलर वाला सेवई वो इसमें ऐड करेंगे। हल्के से जेंटली आपको डालना है। अभी हल्के से प्रेस कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के से करना है। अभी हम गार्निश के लिए थोड़े बादाम और थोड़े पिस्ता डालेंगे। अपने हिसाब से आप कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से जेंटली प्रेस कर लेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे।
2 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो अभी मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। आप भी बनाइए अपने घर में नवाबी सेवाएं और मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।